माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूँ। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह एक रोड का इंस्पेक्शन करने गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कें बहुत शानदार हुआ करती थी। मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कें खराब हो गई हैं। मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंत ठीक करवाया जाए, उन्होंने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उस सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा। हैं जी, आप तो मालिक हैं साहब, देख आप तो देश के मालिक हैं। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है? ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए? उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके, 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4, 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही, अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके, केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो? ये गलत बात है, ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाहिर। एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लेना।
तो काम रोकने से, काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी, काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो, आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते जे केजरीवाल जेल में बैठे हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता? आज मैं वोट मांगूंगा केजरीवाल आ गया, आप तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। 5,000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते, हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटेलिटी नेगेटिव है, इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल लटा दिए मेरे पीछे से, बताओ कोई अच्छी काम करा? वो बस मार्शल लाते हैं बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं, बस मार्शल की नौकरी कौन करता है? कोई अमीर आदमी? आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी, वो तो बेचारे गांव के, हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, उनके दिल से उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बताओ तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरडी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे, उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। यार आप खुद भी होके आओ थोड़ा तीर्थ यात्रा, थोड़ी मन को शांति। मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें, उनको थोड़ी। अभी जैसे सौरभ बता रहा था पेड़ काट दिए हमारे पीछे से, मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए, बताओ दिल्ली के प्रदूषण। तो दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे, ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया, फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती, ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी, और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया, और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कट्टर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है, कोई नहीं कहता। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए। दूसरा, ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया,
इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा, दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा मैं, काम ठप नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ, पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बस मार्शल हटा दिया इन लोगों ने, दवाइयां मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए, बताओ अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार तुम लोगों ने, दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान किस, रावण का भी अभिमान नहीं टिका था, मैंने अंदर गीता और रामायण बहुत पढ़ी और उसी का मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, अहंकार टिकता नहीं है, किसी का नहीं टिकता, इतिहास में किसी का अहंकार नहीं टिका, आप भी थोड़ा भगवान से डरो। अब चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर हैं। जनता जवाब देगी कि जनता को काम रोकने वाले पसंद हैं कि काम करने वाला पसंद है। और अध्यक्ष महोदय जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जिसने दिल्ली के स्कूल बंद करे उसको जेल में डाल दिया, जिसने दिल्ली के स्कूल चालू करे और स्कूल अच्छे करे उसको जेल में डाल दिया। एक सतेंद्र जैन था जिसने दिल्ली वालों की बिजली मुफ्त करी, दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली दवाइयां मुफ्त करी, उसको जेल में डाल दिया, उसके काम रोक दिए। और एक बीजेपी थी जिन्होंने सारे काम रोक दिए। जब इतिहास लिखा जाएगा तो बीजेपी के भी कारनामे लिखे जाएंगे, मनीष सिसोदिया के भी, अरविंद केजरीवाल के भी और सत्येंद्र जी। अध्यक्ष जी, जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने, इन्होंने भी नहीं मांगा था मेरा इस्तीफा, इन्होंने तो पोस्टर लगाए थे इस्तीफा दो, मैंने जब दे दिया तो इनको ये समझ नहीं आया उन पोस्टरों का क्या करें, अब छपवाए थे लगाने थे अभी बता रहे हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसे मौके आए जब बड़े बड़े पदों से मैंने इस्तीफा दिया अपनी जिंदगी में, वॉलंटरिली, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, किसी ने मांगा नहीं था। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे था, मन में ये था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मुझे ये लगा कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं ये नौकरी तो और कई लोग कर लेंगे, मेरे जैसे और बहुत इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, वो लोग कर लेंगे, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर आदमी नहीं करता। मैंने जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र देके और 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया था 2006 में इस्तीफा दिया था, वैसे तो मैं छुट्टी लेके 2000 से ही निकल गया था, उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था और दिल्ली की झुग्गियों में जाके मैं रहने लगा था, तब ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी। फिर 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन की सरकार के बाद अपने उसूलों पे मैंने इस्तीफा दिया था, 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा, 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। और अब तीसरी बार अब जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है, मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है, देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के, भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा।
लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। एक मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोलने लो। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है, सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता, व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, ऐसे व्यवस्था कैसे चलेगी। अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया भी 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं उसमें, तो सत्ता का लालच जो है कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है किसके लिए, पता नहीं किसके लिए इतना लालच है उसका। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो उन मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए, पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, हमारे दिल्ली वाले दिल वाले हैं, हमें सबको 2-2.5 करोड़ लोगों को मिलके दिल्ली बनानी है। इसमें हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलके दिल्ली बनानी है, इसमें ब्राह्मण यादव जाटव दलित बनिए सबको मिलके बनानी है, इसमें बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी हम सबको मिलके बनानी है। इसमें ये काम रोकना काम बंद करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपने सभी विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि चुनाव के टाइम में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद हमें सबको मिलके काम करना है। थैंक यू अध्यक्ष।